हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 to 8 की जो मॉरल एजुकेशन की जो बुक है, नैतिक शिक्षा की, आदर्श जीवन मूल्य, तो उसमें हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और चैप्टर 2 का नाम है जिज्ञासु अर्जुन। तो जिज्ञासु अर्जुन के जो हैं, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं क्लास 6 to 8 नैतिक शिक्षा की पुस्तक आदर्श जीवन मूल्य के। पहला क्वेश्चन है, जिज्ञासु अर्जुन पाठ का उद्देश्य बताइए। तो जिज्ञासु अर्जुन जो पाठ है, उसका उद्देश्य क्या है? जिज्ञासु अर्जुन पाठ का उद्देश्य अर्जुन के गुणों। जिज्ञासु अर्जुन जो पाठ है, उसका उद्देश्य है अर्जुन के गुणों, जैसे एकाग्रता, मतलब एक बिल्कुल ध्यान लगाकर काम करना, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन होना, एकाग्रता, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उच्च मनोबल, हाई मोरल मनोबल, जो उच्च मनोबल का मतलब हाई मोरल, संयम मीन्स धैर्य रखना, पेशेंस, सद्भाव, बहुत ही अच्छा मतलब जो है व्यवहार, कंडक्ट, कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी के प्रति जो है लॉयल रहना, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आदि पर प्रकाश डालते हुए हम अपने में इन गुणों के विकास की प्रेरणा देता है। तो जिज्ञासु अर्जुन पाठ का उद्देश्य है कि भाई अर्जुन के जो गुण हैं, जिसमें एकाग्रता है, आत्मविश्वास है, उच्च मनोबल है, संयम है, सद्भाव है, कर्तव्य निष्ठा है, जिज्ञासा है, इन सब पर प्रकाश डालते हुए हमें अपने इन गुणों के विकास की प्रेरणा देता है कि इन गुणों को हम भी धारण करें। यानी अर्जुन के जो गुण हैं, एकाग्रता, आत्मविश्वास, उच्च मनोबल, संयम, सद्भाव, कर्तव्य निष्ठा, जिज्ञासा, इन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करें। सेकंड है, अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्न हमें अपने ही क्यों लगते हैं? अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे गए थे, वे हमें अपने क्यों लगते हैं? अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्न हमें अपने ही प्रश्न इसलिए लगते हैं। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्न हमें अपने ही प्रश्न इसलिए लगते हैं क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे, उनमें हमारी ही कठिनाइयाँ, दुविधाएँ, बाधाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। तो अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे गए, उनमें हमें अपने ही प्रश्न इसलिए लगते हैं क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे, उनमें हमारी ही कठिनाइयाँ, दुविधाएँ, बाधाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। जो अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में हमारी ही जो कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, जो दुविधाएँ हैं, बाधाएँ हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएँ, ऑब्स्टेकल्स, दुविधाएँ होती हैं कि भाई आप क्या करें, जो समझ में नहीं आता कि भाई क्या किया जाए, तो ऐसी ही बातें जो हैं हमें भी जीवन में फेस करनी पड़ती हैं। तो अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्न हमें अपने ही प्रश्न इसलिए लगते हैं क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे, उनमें हमारी ही कठिनाइयाँ, दुविधाएँ, बाधाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, अर्जुन का मानव मात्र पर बहुत बड़ा उपकार क्यों है? अर्जुन का मानव मात्र पर बहुत बड़ा उपकार क्यों है? तो अर्जुन का मानव मात्र पर बहुत बड़ा उपकार इसलिए है क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अनेक ऐसे प्रश्न रखकर उनका समाधान उनसे करवाया जो शायद प्रत्येक साधक कल्याणकांक्षी मानव अथवा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाले किसी के भी अंदर प्रश्न रूप में बने रहते हैं। तो अर्जुन का मानव मात्र पर बहुत बड़ा उपकार इसलिए है क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अनेक ऐसे प्रश्न रखे थे और उनसे उनका समाधान करवाया था जो शायद प्रत्येक साधक कल्याणकांक्षी मनुष्य अथवा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाले किसी के भी अंदर प्रश्न रूप में बने रहते हैं। तो वो बने रहते हैं, तो इसीलिए अर्जुन ने उनका समाधान करवाया। इससे मानव को भी ये एहसास हुआ कि जो प्रश्न है उसके
उत्तर या उसका समाधान मनुष्य को मिला। क्वेश्चन 5, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसे श्लोक में कौन से प्रश्न किए? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक श्लोक में कौन से प्रश्न किए? हे पार्थ, क्या इसे का मतलब मेरे उपदेश को तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया, सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह पूर्णतया नष्ट हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक श्लोक में जो प्रश्न किए वो ये हैं, हे पार्थ, क्या इससे यानी मेरे उपदेश को तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह पूर्णतः नष्ट हुआ? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। और मुझे स्मृति यानी ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और मैं आपके वचन आज्ञा का पालन करूँगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे भगवान, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मोह नहीं रहा है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है अब, और मैं आपके वचन यानी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्यावहारिक आदर्श प्रेरणाओं के रूप में किसका नाम आज भी अमर है? व्यावहारिक आदर्श प्रेरणाओं के रूप में अर्जुन का नाम आज भी अमर है। व्यावहारिक आदर्श प्रेरणाओं के रूप में पूछा गया है किसका नाम आज भी अमर है, तो वो अर्जुन का नाम है जो आज भी अमर है। 8वां क्वेश्चन है आपका, अर्जुन सरीखा जीवन युवाओं के लिए आदर्श क्यों है? यानी जो अर्जुन का जो जीवन था वो आज के भी युवाओं के लिए आदर्श क्यों है? अर्जुन सरीखा जीवन युवाओं के लिए आदर्श इसलिए है, अर्जुन जैसा जीवन युवाओं के लिए आदर्श इसलिए है क्योंकि अर्जुन के जीवन मूल्यों से उन्हें अपने जीवन आदर्श सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। अर्जुन सरीखा जीवन युवाओं के लिए आदर्श इसलिए है क्योंकि अर्जुन के जीवन मूल्यों से उन्हें अपने जीवन आदर्श सहज ही प्राप्त हो सकते हैं, जिनका ह्रास वर्तमान में मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। अर्जुन सरीखा जीवन युवाओं के लिए आदर्श इसलिए है क्योंकि अगर अर्जुन के जीवन मूल्यों से वो प्रेरणा लेंगे तो उन्हें अपना आदर्श जीवन सहज ही प्राप्त हो जाएगा, और अगर वो गुण नहीं होंगे तो उनका ह्रास होगा, तो वर्तमान में मानवता के लिए गंभीर चुनौती है, तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 6-8 सेकंड चैप्टर जिज्ञासु अर्जुन के क्वेश्चन आंसर्स किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।